top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. वहीं पे लोगों का बहुत जम के डिमांड आ रही है. लोग बुरी तरह से पकड़ लेते हैं, ये कब से चालू कर रहे हो, दोबारा कब से चालू करोगे. तो इसमें एक सिस्टमैटिक तरीके से जनता का की राय लेना जरूरी है. और पिछले वाली ऑडिवन भी सक्सेसफुल इसलिए हुई क्योंकि जनता की हमने बहुत बड़े स्तर पे राय ली और उस राय को हमने इनकॉर्पोरेट किया, जिसकी वजह से जनता ने इसको एक्सेप्ट किया. तो कल से इसकी राय लेने का कार्यक्रम एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से शुरू किया जा रहा है. एक तो एडवर्टाइजमेंट्स किए जाएंगे जिससे कि में एक ईमेल आईडी दिया जा रहा है. ईमेल आईडी है oddevenidea@gmail.com. इस पे लोग अपने सुझाव दे सकते हैं. सुझाव किस किस पॉइंट पे चाहिए वो मैं अभी आपको बता देता हूँ. दूसरा, थोड़े दिन के बाद एक फोन नंबर दिया जाएगा जिसमें लोग फोन करेंगे तो उनसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या आप दिल्ली में दोबारा ऑडिवन चाहते हैं. यदि हाँ तो एक दबाइए, यदि ना तो दो दबाइए. वो नंबर अभी तैयार किया जा रहा है. वो थोड़े दिन में जब लागू होगा तो मंत्री महोदय उसका अनाउंसमेंट करेंगे. लेकिन आज ये ईमेल आईडी एक तो बताया जा रहा है कि oddevenidea@gmail.com. जनता से जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं वो इस प्रकार हैं. दिल्ली में ऑडिवन स्कीम आप दोबारा लाना चाहते हैं, हाँ या ना. नंबर दो, यदि हाँ तो इसे कब से दोबारा लागू किया जाए. 14 फरवरी से, 1 मार्च से, 1 अप्रैल से या 1 मई से. ये चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं. 14 फरवरी से, 1 मार्च से, 1 अप्रैल से या 1 मई से. तीसरा क्वेश्चन है, यदि दोबारा किया जाए तो कितने दिन के लिए किया जाए. 15 दिन के लिए फिर से किया जाए, 1 महीने के लिए किया जाए, हर महीने 15-15 दिन के लिए किया जाए या परमानेंट किया जाए. चार ऑप्शन हैं. 15 दिन के लिए किया जाए, 1 महीने के लिए किया जाए, हर महीने 15-15 दिन के लिए किया जाए या परमानेंट किया जाए. नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन है कि अगर दोबारा करते हैं तो आप दूसरी गाड़ी खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे. क्योंकि हम नहीं चाहते कि दूसरी गाड़ी खरीद के फिर बात महंगी वहीं आ जाए. तो कितने लोग दूसरी गाड़ी खरीदेंगे इसका भी एक थोड़ा सा एस्टिमेट लग जाए.